पिछले 15 महीनों से लगे बसों के लॉकडाउन को अनलॉक करने के लिए अब सरकार से राहत की उम्मीद है, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश प्राइमरी रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा का। मध्य प्रदेश प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा के मुताबिक 15 महीनों से बसों का संचालन बंद पड़ा हुआ है। पहले कोरोना संक्रमण के दौर में बस बंद हुई थी, इस दौरान सरकार से मांग की गई थी कि पूरे साल का टैक्स माफ किया जाए, हालांकि 5.5 महीने का टैक्स माफ कर दिया गया था। साथ ही 60% गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया गया, लेकिन लॉकडाउन 2 की घोषणा होते ही कोरोना कर्फ्यू के कारण गाड़ियों का संचालन जिला प्रशासन द्वारा दोबारा बंद कर दिया गया था, जिसके कारण 3 माह से गाड़ियों का दोबारा संचालन बंद रहा। इस बार फिर बस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने परिवहन विभाग से मांग की है कि टैक्स माफ किया जाए। एक बार फिर 50% किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है और मांग की गई है कि मोटर मालिक को आपदा राहत प्रदान की जाए। विगत 15 महीनों से बसों का संचालन बंद पड़ा हुआ है। पहले कोरोना संक्रमण के दौर में जब बसें बंद हुई थी, तब पूरे हिंदुस्तान में बसों का संचालन बंद हुआ था, जिसके कारण हमारे को जो है 22 मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर तक हमारी स्थिति इतनी गंभीर थी कि हम बसें चला नहीं पा रहे थे। हमने सरकार से मांग की गई थी कि हमारा 1 साल का टैक्स माफ़ किया जावे, परंतु मध्य सरकार ने जो है हमारे 5.5 महीने का टैक्स माफ़ करने के बाद में जो है हमें वही आर्थिक संकट में डाल दिया गया है। किसी तरह से हमने 60% गाड़ियों का संचालन चालू किया गया है, 40% गाड़ियां अभी आज भी जो है के फार्म के माध्यम से परिवहन विभाग में खड़ी हुई है। उसके बाद हम जब अप्रैल 2021 में जब परमिट लेकर गाड़ियाँ चला रहे थे, अचानक जो है 11 अप्रैल से जो है 52 कलेक्टरों द्वारा ये आदेश किया गया कि लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके कारण हमारे परमिटधारी सब गाड़ियाँ रुक दी गई हैं। हमारी इन गाड़ियों के रुकने से हमको नुकसान तो आर्थिक नुकसान तो हुआ है, उसके साथ में जो है बसों का संचालन बंद हुआ है। अप्रैल मई और वर्तमान जून में भी जो है अभी गाड़ियाँ चलने की कगार पर नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं निकलने के कारण जो है हमको जो है नुकसान हो रहा है। हमने सरकार से मांग की गई है कि हमें 1 साल का टैक्स शून्य किया जावे, जितनी पेनल्टी सब रोक दी जावे, ताकि हम इस आधार पर जो है हम गाड़ियों का कुछ संचालन कर सकें, क्योंकि कोरोना के डर के मारे आज भी यात्रीगण जो है घर से बाहर नहीं निकल रहा है, इस कारण से हमारा बसों का संचालन गड़बड़ा गया है। इसी प्रकार से हमने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जब परिवहन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई, तो आयुक्त मुकेश जैन द्वारा जो है वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हमें एक के फार्म की जो समस्या थी कि परिवहन विभाग जो बेमानी करके जो हमारे से के फार्म के माध्यम से जो टैक्स एडवांस टैक्स वसूलता था, उस पर जो है कानून जो है उसको समझाइश दी गई, तो उनको समझ में आया और उन्होंने जो बेमानीपूर्ण जो कार्य हो रहा था उसको रोका गया। इससे ये फायदा हुआ कि अब हमारा मोटर मालिक के फार्म के माध्यम से लंबे समय तक जो है बसों का संचालन जो है नहीं कर सकता है। ये इससे एक हमार को काफ़ी मतलब सहायता मिली है, आर्थिक सहायता मिली है हमके, इसलिए परिवहन विभाग के आयुक्त महोदय को जो हम धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से सितंबर 2021 में जब किराए बोर्ड की बैठक हुई थी और जनवरी में किराए बोर्ड द्वारा जो है 25% का किराया बढ़ाया गया है, वो काफ़ी कम है, क्योंकि किराए बोर्ड की बैठक से लेकर आज तक जो है 19 रुपये डीजल के भाव बढ़ने से जो है हमारी स्थिति वापस जो ख़राब हो गई है। हमने सरकार से मांग की गई है कि पुनः किराए बोर्ड की बैठक की जावे और हमारा किराया 50% पुनः बढ़ाया जावे, यदि नहीं बढ़ाते हैं तो हमारा परिवहन तो आर्थिक संकट में आएगा। हमने सरकार से मांग करी है कि 1 साल का टैक्स माफ़ किया जावे, हमें मोटर मालिकों को आपदा राहत फंड से हमें राहत दी जावे, ताकि हम मध्य प्रदेश में जो सच्ची सुलभ परिवहन सेवा जो हम दे रहे हैं और देना चाहते हैं वो हम इस सरकार के माध्यम से दे सकते हैं। आशा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी बात को समझेंगे और इस परिवहन उद्योग को जो संकट में डूब रहा है उसको बचाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। गोविंद शर्मा, अध्यक्ष प्राइम रूट बस ऑनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश। हालांकि बसों का किराया यदि बढ़ाया गया तो आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।